ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ कान्हा जी के लिए ये सुंदर सी बांसुरी। देखिए कितनी सुंदर है, इसको बनाना बहुत आसान है। कि देखने में जितनी सुंदर लग रही है बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये मोरपंखी की डंडी। ये मोरपंखी बाज़ार में आराम से मिल जाती है। आपको जितनी बड़ी बांसुरी बनानी है उतनी बड़ी आप ये काट लीजिए। जैसे मुझे 5 इंच की बनानी है तो मैं 5 इंच की मोरपंखी की डंडी ये काट लूँगी। ये देखिए कटिंग करने के बाद इस पर हम ये रेशम की डोरी लपेटेंगे। अगर आपके पास रेशम की डोरी ना हो तो आप कोई भी ऊन भी ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पे गन लगा के ये किस तरह से करना है बीच में जरा सी गैपिंग रखनी है। कितनी सी गैपिंग रखते हुए हमें ये लगाना है। ये ध्यान रखिए हल्का सा राउंड जो है ये थोड़ा सा तिरछा है। इतनी गैपिंग रखते हुए हमें इसको पूरे में लपेटना है। इतना हो जाए उसके बाद हमें इसको पास पास लपेटना है। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये मैंने नग लैस ली है। इस तरह की आप कोई भी लैस ले लीजिए जो इसके बीच में लपेटनी है हमें। ये देखिए इस तरह से ही। अब हम यहाँ पर बूटियाँ लगाएंगे। अगर आपके पास बूटियाँ हो तो बूटियाँ लगा लीजिए, कोई फूल हो तो फूल लगा लीजिए। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो लगा लीजिए। मेरे पास देखिए ये बूटियाँ रखी हैं, ये नग रखा है, तो मैं इनसे इसको सजाऊंगी। देखिए अब हम इस पे इधर मोरपंखी लगाएंगे और यहाँ कोई भी मोतियों की लटकन लगाएंगे। देखिए मेरे पास ये तैयार लटकन बनी हुई रखी है। अगर आपके पास ऐसी ना हो तो और मोती रखे हो तो मोतियों की आप इस तरह से बनाकर आप लगा लीजिए। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे।
ये बन गई है। अब बस इस पर मोर पंखी लगानी रहेंगी। मोर पंखी लगाना बताती हूँ आपको। मोर पंखी बनाने के लिए सबसे पहले हम मोर पंखी को काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगर हम मोर पंखी को ऐसे ही लगाएंगे तो ये मोर पंखी सब खराब हो जाती है, यहाँ से चिढ़ जाती है, इसलिए हम पहले इसको सेलो टेप पर चिपका कर बैठा देंगे। बिल्कुल देखिए चौड़ा वाला सेलो टेप है ट्रांसपेरेंट, इसको हम इस तरह से रख के, इधर कोई हैवी चीज़ रख के इसको इस तरह से इसको लगा रख के इसको बहुत अच्छे से इस तरह से इस पर बिठा देंगे। फिर से कटिंग कर देंगे। अब इसको हमें जिस शेप में काटना है उस शेप में हम इसको, ये देखिए मैंने इतनी छोटी कर ली है क्योंकि बांसुरी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चलेगी इसके ऊपर। इस तरह से चिपका लेंगे। तो इसको ऐसी तिरछी करनी है तो आप तिरछी कर दीजिए ऐसे करके। देखिए ये मेरे पास एक फूल है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा भी सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। कितनी सुंदर लग रही है आप देखिए, मैंने कितने साइज लगा रखी है अलग डिजाइन की। ये देखिए ये देखिए, जब से तुम संग मैंने अपने नैना देखिए, आप इनमें से किसी भी तरीके से सजा सकते हैं सुंदर 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 बांसुरी अपने ठाकुर जी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप बनाएं या आपको पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।